हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, और जिसमें हम आज बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप की फंक्शनिंग के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये वीडियो नहीं, एक सीरीज है जिसमें हम तीन पार्ट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसका प्रिंसिपल, यूजेस और इंपॉर्टेंस, जबकि दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, जबकि तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका डिमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट के डिमोन्स्ट्रेट करेंगे आपको कि इसको कैसे चलाया जाता है, इसका सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल किया जाता है और आपको कैसे इसमें रिपोर्ट जनरेट होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल मतलब पार्ट वन में, जिसमें हम आज बात करेंगे कि ये यूवी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको जो अभी ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप जो कि है शिमाटजू कंपनी का। इसका जो अगर हम ये बात करें कि इसका मॉडल नंबर जो है वो UV 1800। शिमाटजू एक जैपनीज कंपनी है, और अगर हम बात करें कि इस इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस या यूज, तो अगर आप इस मॉडल की बात करें तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो इंडिया में काम कर रही हैं वो यही मॉडल यूज करती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जो इस वीडियो में हम जिस इंस्ट्रूमेंट का आपको वर्किंग और डिमोन्स्ट्रेशन बताएंगे, वैसा का वैसे इंस्ट्रूमेंट आपको इंडस्ट्रीज में आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। और ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट मॉडल है जो अभी के फिलहाल में यूज हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और इसका प्रिंसिपल कैसा होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में आपको एक बात बता सकता हूं, अगर हम बात करना है सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप से जो एनालाइज किया जाता है वो एनालाइज किया जाता है किसी भी ड्रग की प्योरिटी, यहां तक कि उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन भी। बट अभी हम बात करेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप जिस कैरेक्टर पे यूज करता है, जिसका प्रिंसिपल होता है, वो होता है कि एब्जॉर्बेंस, मतलब यूवी की एब्जॉर्बेंस। 90% फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली वो यूवी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यूवी को एब्जॉर्ब करने का जो उनका नेचर होता है, हम उसी की हेल्प से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एब्जॉर्प्शन के जो यूवी के एब्जॉर्ब करने का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसी कैरेक्टर का यूज करके हम ड्रग की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये यूवी को एब्जॉर्ब कैसे करता है, इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आप किसी भी ड्रग को यूवी के कांटेक्ट में लाते हो, वैसे ही यूवी मतलब बेसिकली सनलाइट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, इसकी मैं आपको एक बार रेंज बता देता हूं और यूवी की रेंज बता देता हूं। जो हमने सनलाइट जो होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं बेसिकली, जो बैंगनी से लेकर रेड, मतलब ब्लू से लेकर रेड तक इनकी रेंज होती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली ये 2 रेंज पे काम करता है, एक होती है विजिबल रेंज और एक होती है यूवी रेंज। विजिबल रेंज जो होती है बेसिकली उसकी लिमिट होती है 8000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और यूवी की जो रेंज होती है वो होती है 4000 से 2000 एंगस्ट्रॉम, और 2000 रेंज के जो नीचे जो आती है रेंज वो होती है आईआर रेंज, जिस पे हम बाद में बात करेंगे, जो हमारा आईआर इंस्ट्रूमेंट होता है वो उस पर काम करता है। तो यहां पर जो यूवी की रेंज हो गई वो हो गई 4000 से 2000 एंगस्ट्रॉम। तो जो भी ड्रग है जिसको हमको डिटरमाइन करना है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे 4000 से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। अब यूवी एब्जॉर्बेंस होता क्या, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हम जो ह्यूमन होते हैं बेसिकली वो भी यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कैसे, जैसे कि अगर हम सनलाइट के जब भी कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो आपको सीधी सी बात है गर्मी लगने लगती है। वो गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि आप यूवी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो यूवी को एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से आपको गर्मी जैसा फील होने लगता है। उसके अलावा जो आदमी ज्यादा दुबला पतला आदमी होगा तो सीधी सी बात है वो कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी का कम पार्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है। वैसे ही जो एक मोटा आदमी होगा वो ज्यादा यूवी को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी का ज्यादा पार्ट जो है वो यूवी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। और जब आप पूरी तरह से आपको जब आप सनलाइट में रहते हो या सूरज की रोशनी में रहते हो तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जाते हो अंदर, मतलब छांव में किसी भी रूम में जहां पर पंखा चल रहा होता है, और वहां पर आप फिर धीरे धीरे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल डाउन होने लगता है। तो यहां पर हुआ क्या, आपने सनलाइट ली और जब आप वापस एक ठंडे नॉर्मल टेम्परेचर पर गए, रूम टेम्परेचर पर गए, तो आपने वही एनर्जी एटमोस्फेयर को
वापस कर दी, मतलब पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो यही प्रिंसिपल जो होता है वो यूवी का होता है, जिससे हम किसी भी ड्रग की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एक प्रिंसिपल भी दिया गया है जिसे बोला जाता है लैम्बर्ट बियर लॉ। ये लैम्बर्ट और बियर लॉ भी उसी प्रिंसिपल पर काम करता है जो मैं आपको समझाया। लैम्बर्ट ने यह बोला कि अगर कोई भी लाइट है, कोई भी यूवी लाइट है, अगर उसके कॉन्टेक्ट में कोई भी कंपोनेंट आ जाता है और यूवी लाइट के कॉन्टेक्ट में आने वाले कंपाउंड की आप जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते हो, उसकी मोटाई बढ़ाते हो, तो वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। सीधी सी बात है कि कंपाउंड जो होगा जितना मोटा होगा वो यूवी लाइट को उतना रोकेगा, ठीक है। उसके बाद आए लैम्बर्ट के बाद आए बियर साहब। बियर साहब ने यह बोला कि आप किसी कंपाउंड की थिकनेस को मत बढ़ाओ। आप अगर मान लो अगर कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर आप उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, मान लो कि कोई शक्कर है, आप एक पानी एक 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 बोतल के अंदर आपने एक क्वार्ट्स के या कह सकते हो आप ग्लास का एक डब्बा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपने पानी मिलाया, पानी के अंदर आप शक्कर मिला रहे हो और फिर आपने यूवी लाइट को पास आउट किया, तो शक्कर जो थी वो 10 ग्राम थी, तो 10 ग्राम के हिसाब से जो 10 ग्राम के जो शक्कर के पार्टिकल थे उन्होंने यूवी को एब्जॉर्ब करा, बाकी यूवी को उन्होंने जाने दिया। उसके बाद 10 ग्राम के बाद आपने 100 ग्राम शक्कर मिला दी, तो यहां पर 100 ग्राम शक्कर के पार्टिकल्स जो थे वो आने वाली यूवी के साथ कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब यहां पर आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे यूवी की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं जिसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यहां जैसे हम शक्कर के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहां पर जो लैम्बर्ट साहब आए थे उन्होंने बोला आप थिकनेस बढ़ा दो, तो भी एक तरह से थिकनेस जैसे जैसे किसी कंपाउंड की बढ़ेगी, मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगी, वो भी उस लाइट को रोकेगी। वैसे वैसे किसी भी पानी के सॉल्यूशन में आप कोई भी कंपोनेंट मिलाते जाओगे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, उसको और गाढ़ा करते जाओगे, तो वो भी उस यूवी को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो इसका होता है कि ये लैम्बर्ट बियर लॉ को फॉलो करता है। यहां पर भी कोई भी कंपोनेंट जिसको आपको एनालाइज करना है, मान लो पैरासिटामोल की प्योरिटी को आपको एनालाइज करना है, और एक चीज और यहां भी आपको स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने एक प्योर पैरासिटामोल को डिटरमाइन करने के लिए आपने पहले किसी भी टेप एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पैरासिटामोल टेबलेट। पैरासिटामोल टेबलेट की आपको प्योरिटी को डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड का एक सॉल्यूशन बनाओगे, उस स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन को आप इसमें पुट करोगे और वो एक यूवी को एब्जॉर्ब करेगा और एक रीडिंग देगा। उस रीडिंग मान लो वो रीडिंग आई 2, ठीक है, और हुआ होता क्या है, बेसिकली कंपाउंड जो होता है वो यूवी को एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो एक हाई रेंज तक चला जाता है, मतलब जितनी भी यूवी है उसको एब्जॉर्ब करा और हाई कह सकते हैं कि एनर्जेटिक रेंज में चला जाता है, हाई एक्साइटेशन रेंज में चला जाता है, और उसके बाद वो एक्साइटेशन और उसके बाद यूवी का एब्जॉर्प्शन बंद होता है। अब वो जितनी यूवी उसने एब्जॉर्ब करी है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन है, उस एनर्जी को वो वापस इमिट करता है एटमॉस्फेयर में। जैसे कि हम अपनी एनर्जी को इमिट कर रहे थे जब हम एक रूम टेम्परेचर पर आ गए थे, कूल डाउन हो रहे थे, वैसे सैंपल भी कूल डाउन होता है। तो जब वो एनर्जी को इमिट करता है तो उसी एनर्जी को आपका डिटेक्टर जो है वो रीड करता है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा आप एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्ब करोगे यूवी को, और उतनी ज्यादा आप एनर्जी जो है वो डिटेक्टर को प्रोवाइड कराओगे। तो यहां पर जो डिटेक्टर है वो जितनी एनर्जी आपने दी उतनी एनर्जी के हिसाब से उसने आपको रीडिंग प्रोवाइड करवा दी और उतना उसका वो प्लॉट हो गया ग्राफ, जो हम जब आप डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो हम आपको और क्लियर करेंगे। तो जैसे ही वो ग्राफ प्लॉट हो गया तो आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड की रीडिंग जो है वो 2 आई है, ठीक है। अब आप सैंपल का भी उतना ही सॉल्यूशन बनाओ, पैरासिटामोल टेबलेट का जो आपका सैंपल है जिसकी प्योरिटी आपको डिटरमाइन करनी है, उसका भी आपने सॉल्यूशन बनाया, उसको भी आपने इसके अंदर पुट डाउन किया और फिर आपने रीडिंग ली। अब मान लीजिए उसने भी फिर यूवी को एब्जॉर्ब किया, जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन थी, और उस एब्जॉर्बेंस को उसने फिर डिटेक्टर को प्रोवाइड कराया कि मैंने इतनी एनर्जी लिए, कूल डाउन हुआ वो भी, और उसने वापस अपनी एनर्जी डिटेक्टर को प्रोवाइड कराई जितनी भी उसने यूवी को एब्जॉर्ब किया था, और वो भी अपनी रीडिंग देगा। अब मान लीजिए उसकी रीडिंग आती है 1, तो स्टैंडर्ड की रीडिंग आई 2 और टेस्ट रीडिंग आई 1, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सैंपल है वो स्टैंडर्ड से आधा है, मतलब वो आधा परसेंट 50% प्योर है और 50% उसके अंदर इम्प्यूरिटी है। यूवी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम देखा जाए तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जो HPLC की पहली सीढ़ी है। आपको HPLC जो हाई इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें, यहाँ इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बेसिकली वो यूवी पे काफी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर वो अपनी वेइंग कैपेसिटी के कितना अच्छा वो वे कर सकते हैं, कितनी अच्छी पिपेटिंग है। उसके अलावा यूवी बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे आप इसमें आप किसी भी ड्रग की प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, डबल पॉइंट स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, स्टैंडर्ड कर्व मेथड, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन रेशो मेथड, साइमल्टेनियस मेथड, तो काफी ऐसी मेथड्स हैं जो अभी डेवलप हो चुकी है जिसके बेसिस पे आप यूवी की हेल्प से किसी भी ड्रग की प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और
जितने ज्यादा आप यूवी के ऊपर प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि यूवी इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेफ है और ज्यादा एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर आप एचपीएलसी पे एनालाइज करते हो तो वहां पर आपको कॉलम का यूज होता है, आपको हाई एचपीएलसी ग्रेडेड वाटर्स का यूज करना पड़ता है, एचपीएलसी ग्रेडेड केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, यूवी के अंदर वाली कंडीशंस नहीं आती है। इसलिए इसमें आप बहुत इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, तो आप यहाँ पर इन सभी प्रैक्टिकल्स से आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। तो यूवी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट यूवी इंस्ट्रूमेंट तो कंपलसरी वो रखते ही रखते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में प्रैक्टिस करके। हम आने वाले जो अभी जो जिन मेथड्स की मैंने बात करी है, आने वाले वीडियोस में मैं इन सारे मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेथड्स कैसे परफॉर्म की जाती है, मैं इनका डेमोंस्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें आप इन मेथड्स के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और इनको आप अपने कॉलेज के अंदर या अपनी लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म करके अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। तो यूवी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, जैसे अगर जैसे रणजी का यूज किया था, रणजी क्रिकेट जो होता है बेसिकली वह प्रैक्टिस के लिए होता है और वहां पर जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको फिर इंडियन टीम में खिलाया जाता है, वैसे ही यूवी भी एक रणजी क्रिकेट है जहां पर आप इसमें जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा आपको फिर एचपीएलसी के अंदर आपको परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको जब भी कभी एनालिसिस स्टार्ट करना है, एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको अगर कभी भी एक परफॉर्मेंस देनी है, एचपीएलसी का यूज करना है, जो भी एचपीटीएलसी का यूज करना है, तो आपको बेसिकली आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए वेइंग और पिपेटिंग की, और उसकी प्रैक्टिस के लिए यूवी से अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इस बेसिकली अगर आप एक अब हमारा जो अगला वीडियो पे हम जब बात करेंगे वो करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई भी पार्ट आपको बाहर से नहीं दिख रहा है। तो मैं अगले वीडियोस में आपको बकायदा डायग्राम बना के बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें किस टाइप का जो पार्ट्स होते हैं उसका क्या क्या रोल होता है और ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। और तीसरे पार्ट में हम इसका डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।